बंदर और गिलहरी। रिमझिम क्लास फर्स्ट। एक बंदर पेड़ पे बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन पर दिन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उससे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह कुछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही थी। गिलहरी चौंकी, बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई है। तो दोस्तों, ये किसकी के बारे में था? एक गिलहरी और बंदर के बारे में था, जिसमें बंदर की पूंछ बहुत बड़ी है और गिलहरी क्या करती है, उसे झूला समझकर उस पर झूलने लगती है। जब बंदर को उसमें गुदगुदी होने लगती है, तब बंदर गिलहरी को बहुत प्यार से बोलता है कि बंदर, ये गिलहरी, ये मेरी पूंछ है जिस पे तुम झूल रही हो। तो गिलहरी भी बहुत प्यार से बोलती, मुझे नहीं मालूम था कि आपकी पूंछ है, मुझे तो ऐसा लगा कोई झूला है जिसमें मैं झूल रही हूँ। उसके बाद गिलहरी वहाँ से उड़कर चली जाती है।